हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बस मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छी कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे 4 से 5 कहानियाँ सुनाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर एक दिन रजनीश भी आया और फिर ये आए, तो उस दिन एक कहानी उन्होंने मुझे फैमिलियर सुनाया, जो हर एक बेटा के दायित्व बनता है अपने माँ बाप के लिए, या जो हमारे परिवार में आज के ज़माने में हो रहा है उसी पे आधारित सिनेमा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे सिनेमा का हिस्सा बना हूँ जो हर परिवार की ज़रूरत है। तो कोशिश है हम लोगों की, बाकी अभी तो सुना हो, बाकी आगे बन के क्या आता है तो मंजूर साहब बताएंगे, क्योंकि इनका भी मेरे लिए भी इनका नया अनुभव है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉपरेशन से ये सिनेमा बनेगा, लेकिन हम भी इनको जान पाएंगे तब जब सिनेमा करने जाएंगे। अभी ये क्या करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे बैकग्राउंड अपना दिखाया सिनेमा का, वो बड़ी अच्छी थी, जो कि राजस्थान से हैं तो राजस्थानी मूवी इन्होंने जो भी बनाया है बड़े अच्छे टैकिंग के साथ बनाया है। तो मेरा विश्वास है कि एक नया अनुभव भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा, जो कि राजस्थान में था वो अनुभव आज भोजपुरी के लिए आ रहा है। फिल्म की अगर बात करें सारी जी, तो क्या बैकड्रॉप है इस फिल्म का, जैसे पोस्टर में भी हम देख रहे हैं, तो उसको लेके और क्या बैकड्रॉप किस पर आधारित है ये? ये फैमिलियर फिल्म है और एक हर माँ बाप के लिए है, हर एक बेटा के लिए है। तो अभी मैं कहानी को नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि अभी कहानी बनने में टाइम है, अभी चल रही है सारी चीज़ें, तो अभी गाने पे हम लोग बैठेंगे। कहानी तो लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी हम लोग गाने पे बैठेंगे दोनों भाई, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर और आप लोग, ये तो पर्चे का मोहताज है नहीं, रजनीश भी या जीनियस आदमी है, और जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भोजपुरी के भला के लिए करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है, तो भोजपुरी का जब भी कुछ भला होना होता है तो ये जुड़ जाते हैं बेचारे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.